कल्याण सिंह को अभी राजनीति में दोबारा सक्रिय होने के कुछ घंटे ही हुए थे कि बाबरी मस्जिद का भूत उन्हें फिर से परेशान करने लगा। कल्याण सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया है और बाबरी विध्वंस मामले में समन जारी करने की मांग की है। पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को तलब करने के लिए सीबीआई ने लखनऊ की अदालत में आवेदन दिया है। गौरतलब है कि राज्यपाल के पद पर रहने की वजह से 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए बतौर आरोपी बुलाया नहीं जा सकता था। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सीबीआई को इस बात की अनुमति दी थी कि जब कल्याण सिंह राज्यपाल नहीं रहेंगे तो उन्हें आरोपी के रूप में पेश किया जा सकता है। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी नेता कल्याण सिंह ने दी थी। कल्याण बीजेपी के इकलौते नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता की बलि दी थी। राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गवाई बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स भी है। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का कार्यकाल 3 सितंबर को पूरा हो गया था और उन्होंने 9 सितंबर को बीजेपी में दोबारा वापसी की। सीबीआई के आवेदन में 11 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में दोषी पाए जाने पर कल्याण सिंह को अधिकतम 3 साल तक की सजा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।